हाय फ्रेंड, स्वागत है हमारे किचन में। और आज देखिए, मजेदार रेसिपी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम सामग्री देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास ग्रीन बैगन है और इसे हम अच्छे से धो के ले लिए हैं। टमाटर, प्याज, मिर्ची, लहसुन और मसाले जो डालेंगे वो बाद में देखेंगे, पहले किन चीज़ों से बनता है वो हम अपने आपको दिखा दिया है। अब देखिए इसे बनाते कैसे हैं, चलो चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे हमने बैंगन को बीज से फाड़ दिया है। ये देखिए, इसके अंदर हमें लहसुन और मिर्ची डाल देना है ताकि इसके साथ ये भी कुक हो जाए। इसके अंदर डाल देना है लहसुन भी। ये हमने सारा कली ही डाल रहे हैं, टुकड़ा नहीं किए हैं। दोस्तों इसका बहुत मजेदार रेसिपी बन के रेडी होता है, बहुत चटपटा और बहुत कम समय में। अच्छे से इसे भर लें। फ्रेंड, यहाँ पे हमने पैन रख दिया है गरम होने के लिए। जैसे ही हीट होगा फिर इसमें हम ये बैगन डाल देंगे। थोड़ा हमें इसमें ऑयल डालना है। ये देखिए, ऑयल हमने डाल दिया है। हमारा पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये बैगन डाल देंगे। हम इसमें ऑनियन और टमाटर के रिंग बना के लगाए हैं ताकि इसके साथ ये भी कुक हो जाए और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो साथ साथ में दोनों कुक हो जाएंगे बैगन के साथ में। और ये चीज़ हमको डालनी ही है पहले, बाद में क्यों ना हम थोड़ा कुक करके इसके साथ डाल दें। तो इससे बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनेगी हमारी और आप देखेंगे कितने जल्दी ये पक के रेडी हो जाता है। आंच स्लो ही रखना है, ज़्यादा हाई आंच पे हम इसे नहीं पकाएंगे। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हमारी रेसिपी। और रिंग बना के डालने से एक फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर जो हमने स्टफिंग रखी है ना लहसुन और मिर्ची की, ये बाहर नहीं आता। जिसके अंदर ही ये देखो पकड़ के रखा है, ये बाहर नहीं आता है। तो ये बहुत बेस्ट स्टाइल है। थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक के रखेंगे और स्लो आंच में पकाएंगे। ये देखिए हमारा बैगन यहाँ पे सॉफ्ट होने लगा है। और इसके ऊपर जो हमने रिंग लगाया था टमाटर और प्याज का, वो पहले ही कुक हो चुके थे तो उसको पहले ही निकाल लेना है। और इसको टाइम लगता है हमें पकाने में, तो इसे हम अभी थोड़ी देर और पकाएंगे और सॉफ्ट करना है इसे हमें। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा कुक होके रेडी हो गया है। अब इसे ठंडा होने तक वेट करेंगे हम, उसके बाद इसे का छिलका निकालेंगे। इसका छिलका बहुत ही आराम से निकल जाता है। ये देखिए बहुत ही आराम आराम से इसका छिलका निकल जाता है। ये देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से छील कर इसे और ऐसे करके पूरा मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम प्याज और टमाटर डालेंगे। ये जिससे हम रिंग बनाए थे उससे जो छोटे टुकड़े में बचे हुए प्याज टमाटर थे वही हैं। इसमें हम नमक ऐड करेंगे। ये देखिए हम बहुत कम ही ऑयल में से बनाए हैं, ऊपर से फिर ऑयल नहीं डालेंगे। नमक अपने स्वाद अनुसार डालना है और इसके बाद इसे मिक्स कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे जो हमने रिंग फ्राई करके निकाले थे ना,
इसके ऊपर से हम इसे अच्छे से फैला देंगे। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में, क्योंकि ये तले हुए होते हैं। इसमें हमने कच्चा पक्का दोनों डाल दिए हैं, टमाटर कच्चा भी है ऐड और हमने पका कर भी डाला है इसमें। कितना देखने में टेस्टी लग रहा है, ये देखिए, बहुत ही कम समय में कितना अच्छा रेसिपी बन के रेडी हुआ है बैंगन का। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल डेकोरेशन है इसका। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हमने बैंगन के ही स्लाइस निकाल कर उसी से रोल करके बनाया है, और उसके बाद हरी मिर्च से हमने इसको गार्निश कर देना है। बहुत ही चटपटा लाजवाब रेसिपी बन के रेडी हो गया है भाई। हमें देखते ही भूख लग गया बनाते बनाते, और आपको भी भूख लग ही गया होगा। तो जल्दी से चलो खाते हैं, कितना यम्मी रेसिपी हमारा बन के रेडी हो गया है। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं एक फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।